अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं आरएनए का शुक्रगुजार हूँ को जो इस पसमिंदा गांव में आज तशरीफ़ फरमा हुए। आप इस रोड की हालत देख रहे हैं कि जो आज से 15 साल पहले ब्लाक ने बनाया था, लेकिन ब्लाक के बनाने के बाद इस पर कोई भी रोड़ी बाजरी वगैरह नहीं डाली गई। ये आधा किलोमीटर बचा हुआ है, जिसकी दिक्कत है हमें इतनी कि हम ना तो बीमार को किसी जगह ले सकते हैं, बीमार को चारपाई पर उठाकर हमें लेना पड़ता है। किसी भी वक्त अगर ऐसा हादसा हो जाए, कोई भी हादसा हो जाए, तो बीमार हो या कोई एक्सीडेंट हो जाए, हमें गाड़ी की बहुत प्रॉब्लम यहाँ रहती है। ये आधा किलोमीटर बचा हुआ है पीछे से यहाँ तक, जो ब्लॉक ने इसको काम करना था 5 लाख का काम आया, आधा ही काम करके ब्लॉक वाले चले गए हैं। इसको कोई पुरस्कार हाल ही नहीं है, इसलिए हम डीसी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि इस रोड पर कोई आला से आला अफसर को भेजकर इसकी हैसियत को देखा जाए और फिर हमारे लोगों के साथ कोई अच्छे से अच्छा सलूक किया जाए। क्योंकि आज तक जो भी हुकूमतें आई, उन्होंने सौतेली माँ का सलूक हमारे साथ किया है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं डीसी एडमिनिस्ट्रेशन से, सफीना बेग जी से, कि इस रोड पर आएँ और इस रोड की हालत को देखें। जो काम हुआ है क्या वो भी ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, जो काम बचा गुचा है इसकी क्या, इसको क्या करना है। तो हम लोगों के लिए ये सोच विचार करके हम लोगों को रोड की सहूलियत दी जाए, ताकि हम लोग भी आम लोगों की तरह ज़िंदगी जी सकें। टीफाबाद से बोल रहा हूँ। ये जो रोड हमारी है, ये तकरीबन 30-35 साल की बनी हुई है, मगर इसमें आधा ही काम करके आधा लोगों ने अपनी जेबों से पैसे खर्च करके निकाले, मगर आज जो काम हुआ 5 लाख रुपया दिया वो भी अधूरा करके, तो वो चले गए यहाँ से। हम गुजारिश करते हैं, क्योंकि हमें बहुत किसी वक्त इतनी मुश्किलें पेश आती हैं, बीमार होता है कोई तो हमें आधे किलोमीटर का 1-2 हज़ार रुपया मांगना पड़ता है, और ऊपर तक कंधे पर उठाकर बीमार को ले जाना पड़ता है। जबकि आज भी काम हुआ, मगर नीचे भी काम हुआ, तो हम गवर्नमेंट वाला से इस्तदा करते हैं कि कोई नेक अफसर अफसरों ने बाला में से आए, जो हमारी ये देखे दीदनी खबर चुशम दीद देखे कि हमारे साथ क्या काम किया है इधर। इसलिए हमें भी जैसे बाकी जगहों पर सड़कें बनी हुई हैं, ऐसे हमें भी कोई सहूलियत दी जाए। कोई भी नेक अफसर आएगा जो हम यहाँ देखेगा।